सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रज्ञा झा और कहानी का नाम है लमसेना, जिसके लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी लमसेना। सरसों सी फूली और उजली दोपहरी ढलकर स्याह पड़ गई थी। मंगरू कांधे पर हल रखे और हाथों में बैलों की डोर थामे गांव के गेवड़े की ओर बढ़ा आ रहा था। फुलिया हाथ में गुलेल लिए आंगन में खड़ी थी। कभी वो खाली गुलेल चारों ओर हिलाती तो कभी उसमें पत्थर लगाकर बांसों के झुरमुट में दे मारती। संध्या की हवा जैसे बांसों के झुरमुट में छिपी गीत गा रही थी। फुलिया का पत्थर उसमें वेदना भर देता और सारा झुरमुट एकदम कराह उठता। पर इस कराह की फुलिया को चिंता कहाँ? वो एक नादान बच्चे की भांति गुलेल और पत्थर के साथ खेल रही थी। अभी उसके दिन खेलने ही के तो थे। उम्र कोई 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। धुएं की हल्की परत की तरह सांवले गठे और ठिगने बदन में बच्चों जैसी अल्हड़ता और चपलता भरी थी। घुटने तक वो धोती पहने थी। सीने पर ओढ़नी का बचा छोटा सा छोर पड़ा था, जिसमें से एक स्तन तो एकदम खुला और दूसरा आधा ढका था। किंतु इस खुले और ढके का भेद फुलिया क्या जाने? ये भेदभाव तो किसी शहर की लड़की में ही देखने को मिलता है। गांव की खुली हवा में पली फुलिया तन मन दोनों से साफ थी। वो आंगन में खड़ी गुलेल के साथ खेल रही थी। पक्षियों के झुंड आए, उसके सिर से उड़कर चले गए, पर उसका खेल खत्म नहीं हुआ। उसे ये भी पता नहीं कि मंगरू ने बैलों की डोर छोड़ दी है और वो कांधे पर हल रखे गेवड़े के पास पगडंडी पर खड़ा उसे घूर रहा है। मंगरू आत्मविस्मृत था। खिरका पहले ही निकल चुका था। चरवाहों की भीड़ भी पीछे से निकल गई, पर वह खड़ा रहा। अब की बार फुलिया ने फिर गुलेल में पत्थर रखकर बांस के झुरमुट का निशाना लगाया, पर वह मंगरू के माथे से जा टकराया। मंगरू का तन मन कांप गया और मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। इस चीख ने फुलिया का खेल भंग कर दिया। उसका मुंह खुला और थोड़ी देर खुला रह गया। अंगों में जाड़े जैसी सिहरन उठी, पर वो अपनी जगह से नहीं हटी। मंगरू ने कपाल पर हाथ फेरा और हथेली को जोर से चूम लिया। क्यों रे, यहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? फुलिया को इस चुंबन से जैसे जलन हुई। वाह रे बुलबुल, सड़क पर बैठकर आंखें दिखाना इसी को कहते हैं। पत्थर मार दिया मेरे माथे पर, कहीं भाग फूट जाते तो? तेरे भाग और क्या फूटते रे मगरू, वैसे ही फूटे हैं। दिन रात पतंगे की तरह मेरे चक्कर काटता रहता है। गांव वालों को खबर लग जाएगी तो किरकिरी मेरी होगी। तुझे क्या है, लोग कहेंगे कि फुलिया मगरू के साथ आंख लड़ा रही है, यही ना? उसके मुंह से शब्द छीनकर मंगरू ने पूरे कर दिए। पर इसमें डर काहे का है, सब जानते हैं कि तेरी मेरी लगी है। मंगरू ने कंधे से हल नीचे उतार दिया और 2 कदम आगे आकर खड़ा हो गया। तू मेरे दिल का दर्द क्या जाने फुलिया, मैंने सुना है कि औरतें बड़े नरम दिल की होती हैं। तू कैसी औरत है री? देख रे मगरू, दिल और दर्द का किस्सा किसी और को जाकर सुना। तूने सुनी होगी औरत के नरम दिल वाली बात, पर अब मैं दिखाई देती हूँ कि औरत का दिल पत्थर होता है। तू जाता है यहाँ से या नहीं? फुलिया ने आगे बढ़कर दांत जो पीसे तो मगरू 2 कदम पीछे हट गया। काहे को आंखें तरेरती है छोकरी, तू खाद पड़े खेत में पके गेहूं की बाल है। फुलिया, ना जाने किस दिन कहां से हवा का झोंका आए और तुझे उड़ा कर ले जाए। तू तो जानती है मेरे बाप की बहन की मझली लड़की तेरे भाई के साथ ब्याही है। तू सीधे सीधे मुझसे ब्याह करने की हामी भर दे, वरना पंचायत भराऊंगा और दूध लौटाने की बात करूंगा। 2 बरस तेरे घर में रहकर घास थोड़े ही छीली है। जाने उस कलूटे चेतू में क्या धरा है जो तू उस पर मरी जाती है। अब की बार फुलिया अपने गुस्से को नहीं संभाल सकी। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और बोली, भागता है कि मारूं? हरामखोर, तू कहां से दूध का धुला आ गया है?
फुलिया मनमानी गालियां देती रही। मंगरू दांत पीसता वहां से चला गया। देखूंगा आखिर घोटुल छोड़कर जाएगी कहां। आधी रात को फुलिया की नींद खुली। उसने बाहर एक हल्की सी थपथपाहट सुनी, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। उसने उठकर दरवाजा खोला तो चैतू आंगन में खड़ा था। रात अंधेरी थी, आसमान की छाती पर अनगिनत तारे चमक रहे थे और सामने झुरमुट के आसपास चमगादड़ों के झुंड चक्कर काट रहे थे। इतनी रात को? फुलिया ने चैतू का हाथ थामा और उससे लिपटकर खड़ी हो गई। हाँ फुलिया, चैन नहीं पड़ रहा था तो चला आया अपनी गोरी से मिलने। फुलिया शर्मा गई, बोली, ऐसी रात को भी कोई बाहर निकलता है? तू जानता है न चेतू, कल नाले के पास बाघ पटेल के लड़के को उठा के ले गया था। मुझे भी उठा ले जाता तो कितना अच्छा रहता फुलिया। फुलिया ने अपनी हथेली चेतू के मुंह पर रख दी। ऐसा मत कह, तुझे बाघ ले गया तो मेरा क्या होगा? तू तो मंगरू के साथ जाएगी। क्या कहा? मंगरू के साथ? उस कलमुहे का नाम ना ले चैतू, आज संझा को आया था, बड़ी देर तक खड़ा खड़ा मुझे घूर रहा था, कहता था मेरे साथ ब्याह कर ले, दही मारा कहीं का। ठीक तो कहता था फुलिया, तू उसकी धरोहर जो ठहरी। मेरे यहां भी आया था वो, और पंचायत भराने की धमकी देता था, कहता था फुलिया का ख्याल छोड़ दे, नहीं तो क्या? फुलिया ने व्यग्रता से पूछा। कहता था पंचायत भराऊंगा और दूध लौटाने की बात तेरे बाप से करूंगा, फिर वो तेरे यहां लमसेना भी तो रहा है, कहता था 2 बरस तक छाती फाड़ कर दिन रात काम किया है और बाद में एक दिन तेरे बाप ने डंडा मारकर उसे निकाल दिया। निकाल ना देता तो उसका अचार बनाकर रखता। हरामजादा, बाजार गया तो बैलों की जोड़ी बेच आया। मैंने कहा था मेरे लिए एक धोती और कंठी ले आना, तो कुछ लाना वाना तो दूर रहा, शराब पीकर लौटा और लगा मुझे मारने, जैसे मैं उसकी रखेल हूं। मेरा खाता था और मुझी को मारता था। जब अपनी कमाई खिलाएगा तब तो शायद मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही कर डाले। फुलिया ने अपनी दाई मुट्ठी बाएं हाथ की हथेली में दबाकर दांत पीसे। नास हो जाए कलमुहे का, मैं तो उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। नहीं फुलिया, गांव के पंच तो उसी का साथ देंगे, 2 साल काम लेकर निकाल देना सहज नहीं है। सहज क्यों नहीं है? देखा नहीं, पटेल ने 4 बरस के लमसेना को लोहे की गरम गरम सलाखों से पिटवा कर निकाल दिया। उसकी बात छोड़ फुलिया, हम गरीब आदमी हैं, पटेल जैसे समर्थ होते तो क्या तू भी उसकी धमकी में आ गया? दिल तो गरीब अमीर सबका एक सा होता है। भरोसा ना हो तो एक दिन चल मेरे साथ, छोटे पटेल का दिल तुझे दिखाऊंगी, वो मुझे बहन जो मानता है। तू भी पागल जैसी बातें करती है, हम दिल देखने चलेंगे? तुझे भरोसा तो हो किसी तरह। भरोसा क्या करूं, एक दिन कह रहा था कि पंचों ने भी यदि ठीक फैसला नहीं किया तो नाले के किनारे मुझे और तेरे बाप को जिंदा गड़वा देगा। फुलिया ने कान में हाथ लगा लिए। नाना ऐसा मत कह चैतू, तू भी तो पिछले साल शेर से लड़ा था, और हाँ कितना भारी सुअर था वह जिसे तूने अभी अभी जंगल में पछाड़ दिया। अपनी भुजाओं पर भरोसा रख, और यदि तुझे ऐसा डर है तो घोटुल का मुंशी कहाँ गया? कल हम उससे कह देंगे कि हम ब्याह करना चाहते हैं, बस फिर क्या है, हमारा ब्याह हो जाएगा। कल मत कहियो फुलिया, मैं तो अपनी काकी के यहाँ जाने का बहाना बनाकर आज रात घोटुल नहीं गया। उसकी बात पर फुलिया ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, बोली, सो तो मुझे पता था, इसी से मैं भी घोटुल नहीं गई। वहां वो मंगरू जो मिलता, पर मेरा करता क्या? उसने भूखी शेरनी की तरह अपने दांत पीसे, जैसे मंगरू को सामने पा ले तो कच्चा खा जाए। अच्छा फुलिया, तो मैं अब जाता हूं, भुनसारा होने आया है, सीधे खेत चला जाऊंगा। फुलिया ने उसे रोका। अभी तो अंधेरा है चैतू। नहीं फुलिया, नाले में हाथ मुंह धोते तक उजाला हो जाएगा। चैतू चला गया और फुलिया लौटकर खटिए पर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आई। उसे वह दिन याद आ गया
जब दादर गांव के मालगुजार का खेत काटने वो गई थी। बरस भर पहले की बात है। मंगरू तब उसके यहाँ लमसेना था। वो उस पर मरा जाता था। शुरू शुरू में फुलिया ने भी उसकी खूब आवभगत की। दोनों में बड़ा प्रेम रहा। पर एक दिन बाजार से लौटकर जब उसने फुलिया को मारा तो फुलिया का मन फटे दूध जैसा हो गया। अब फुलिया मंगरू को देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगी। मंगरू उसे लगातार मनाता रहा पर फुलिया ना मानी। इस बार खेत काटने जब वो दादर गांव गई तो अपने साथ मंगरू को नहीं ले गई। गंगा सागर बांध गेहूं की पकी बालियों से लदा था। हवा का झोंका जब उस भारी बांध से गुजरता तो समुद्र की तरह सारे खेत में एक लहर सी उठ जाती और लगता जैसे किसी ने सोने की चादर हिला दी हो। तब फुलिया का कलेजा कसक उठता। उसकी हिरन की तरह खेलती खाती जिंदगी जैसे करा उठती। वह खेत के चारों ओर नजर डालती। झुंड के झुंड औरत और मर्द उसे दिखाई देते पर आंखों की प्यास न बुझती। एक दिन चैत की धूप उस सोने के खेत में अचेत पड़ी सो रही थी और हंसिए की पेनी धार गेहूं के पौधों को जमीन पर सुला रही थी। फुलिया भी एक हाथ से पौधों को थामती और दूसरे हाथ का हंसिया किसी कसाई की तरह उन पौधों पर चला देती। गीतों की धुन से सारा खेत गूंज रहा था। एक गीत खत्म होता तो कोई खड़ा होकर दूसरा शुरू कर देता, इसलिए कि गीत उनकी जिंदगी है और धूप तथा मेहनत से उन्हें बचाता है। फुलिया के मन में भी उमंग उठी। हंसिया हाथ में लेकर वो खड़ी हो गई। पुरवाई के झोंकों से उसका आंचल डोल उठा। उसके हृदय के तार जैसे किसी ने छेड़ दिए। वो लचक लचक कर कर्मा की धुन में गा उठी। ओहो हाय रे हाय, हाय रे हाय, मुला पैरी के साथ, मुला पैरी के साथ, लय दे हीरा रुंझुन बाजे रे, हीरा रुंझुन बाजे रे, ओहो हाय रे हाय, हाय रे हाय। गीतों को सारे साथियों ने दोहराया। इसी बीच मेड़ पर खेत काटते एक युवक पर फुलिया की नजर पड़ी। वो पसीने से लथपथ था और जब सब लोग मस्ती से गीत गा रहे थे तो वह चुपचाप फसल काटने में लगा था। फुलिया के उमंग भरे मन ने ये सहन नहीं किया। उसे लगा जैसे ये युवक उसके गीत के साथ विद्रोह कर रहा है। उसने मिट्टी का ढेला उठाकर उसकी ओर फेंका और फिर अपनी कमर पर लचक देकर हवा के साथ झूलती हुई आगे गाने लगी। अब की बार उस किसान युवक का मन भी डावाडोल हो गया। भर्राई सी आवाज में उसने भी उत्तर के स्वर छेड़ दिए। हाय रे हाय रे, पैरी के तोरा साध गोरी, पैरी के तोरा साध गोरी, हीरा मोर रुंझुन बाजे रे, मोर रुंझुन बाजे रे, हाय रे हाय रे। गीत सुनकर फुलिया का तन मन सूरजमुखी की तरह खिल उठा और इसी खुशी में उसने कर्मा की कई धुनें छेड़ी जिनका उस युवक ने बराबर जवाब दिया। ये रफ्तार चलती ही रहती यदि फुलिया मालिक के लड़के को आते ना देखती। उसे आते देखकर वो बैठ गई और फिर तेजी से फसल काटने लगी। पर मन उसका उस बांके युवक ने हर लिया था। बार बार वो उस पर नजर डालती और वो युवक भी नीची नजरों से उसे घूरता रहा। फुलिया ने फसल काटने की दिशा बदल दी और उसकी ओर बढ़ी। जब वे दोनों काफी पास आ गए और फुलिया ने बड़ी चपलता से पूछा, तुझे तो खूब कर्म आते हैं रे। क्यों नहीं, तेरी सूरत देखकर कौन ना गा उठेगा। सच? फुलिया खरगोश के बच्चे की तरह उचकी, मेरी सूरत पसंद है ना। उत्तर में मुंह बनाकर चेतु ऐसा हंसा कि उसकी हंसी फुलिया के कलेजे में तीर की तरह जा चुभी। वह एक हाथ आगे सरक कर बोला, तेरा नाम? फुलिया। और तेरा? चेतु, वो बोला। इसी चैत में हुआ था। चेतु ने उसकी शरारत भांप ली। हाँ, अभी घंटे भर पहले। कहाँ रहती है? कोटरवाही। और तू?
कोटरवाही, वहीं तो मैं भी रहता हूँ। किसकी लड़की है? नरसू मेरा बाप है। तू कभी घोटुल नहीं आता? फिर फुलिया ने चुटकी ली। हाँ समझी, मेहरिया होगी घर में, मारती है कभी कभी। चैतू ने उसके जूड़े को पकड़कर घुमा दिया। फुलिया कांप उठी। देखा नहीं, अभी मिट्टी का ढेला उठाकर मारा था उस चुलबुल मेहरिया ने। फुलिया के सांवले गाल शर्म के मारे गेहूं जैसे लाल हो गए। शरारत भरी आंखें नीचे झुक गईं। देख लेगी तो सिर के बाल ना बचेंगे, पराई लड़की से आंखें लड़ाता है। देख लेने दे तेरी बला से, चैतू ने कहा। फुलिया थोड़ा पास सरकी। सच बता रे चैतू, मेहरिया है? कहा तो हाँ है, अभी मिट्टी का ढेला मार रही थी। शायद वो नहीं जानती कि चैतू भी पत्थर है। चैत का पत्थर किस काम का, जिस पर पैर रखो तो जल जाए। उसे तो पानी चाहिए चैतू। पर पानी देने वाली हो तब ना। चैतू की इस बात से फुलिया का रास्ता जैसे साफ हो गया। समझ गई, उसे जैसे किसी पहेली का सही हल मिल गया। पर तू घोटुल क्यों नहीं आता? लमसेना है कहीं? हाँ, मुझ गरीब को कौन लमसेना रखेगा फुलिया। चैतू ने लंबी सांस ली। बाप तो छोटे में परलोक सिधार गया, माँ अपने रखैल के साथ रहती है। अकेला हूँ घर में, सब काम धाम अकेले करना पड़ता है। घोटू लाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। पर मुंशी के रजिस्टर में नाम लिखा है मेरा। सच? तो मैं तुझे फुर्सत दूंगी, रोज घोटू लाया कर। फुलिया और चेतू का ये प्रथम परिचय क्रमशः खूब बढ़ा। और फिर ये हालत हुई कि फुलिया अपने लमसेना मंगरू के लिए नागिन बन गई। अपने बाप से उल्टी सीधी चुगली खाकर वो दिन में एक दो बार उसे पिटवा दिया करती, पर मंगरू ने फुलिया का पीछा नहीं छोड़ा। शाम को गले में घुंघची की माला, चांदी के सिक्कों का हार, हाथ में लाल पीली चूड़ियाँ, रंग बिरंगी लाखें तथा चांदी का चूड़ा और पैर में गिलट की पायल डाले और कौड़ियों के गुच्छे से सजी हवा में नागिन की तरह झूलती, बेनी लटकाए फुलिया घोटुल की ओर इस चाल से चली कि जो आज उसे देखे उसी के मन में सांप लौट जाए। घोटुल में उसका आज आखिरी दिन था। वो अपने मंगेतर को चुनेगी और फिर कल से घोटुल का प्रवेश द्वार उसके लिए सदा को बंद हो जाएगा। पैरी की उसकी साथ पूरी होगी। ये एक ऐसा दिन होता है जो कुमारी के जीवन का इतिहास बदल देता है। उसकी जिंदगी की गाड़ी में बैल लग जाते हैं, तब उसकी चाल बढ़ जाती है। घोटुल में सखियों ने फुलिया का दिल खोल कर स्वागत किया। छैल छबीले और बने ठने नौजवान लड़कों ने भी फुलिया के हाथ चूमे। घोटुल के मुंशी ने उसको आशीर्वाद दिया और फिर सब लोग आग की धुनी को घेर कर बैठ गए। फुलिया ने देखा चैतू एक कोने में बैठा हंस रहा है। वो खुशी से फूल गई। मुंशी की मर्जी के अनुसार पहले एक दो कर्मा की धुने हुई और फिर सारी सखियों ने मुटियारी यानी घोटुल की वह युवती जो वर चुनने के लिए श्रृंगार करके आती है के बालों में लकड़ी की कंघियां खोसी। जब यह सब चल रहा था तो मंगरू भी वहां आधमका और धुनी के पास बैठ गया। मंगरू को देखकर मोटियारी का कलेजा कांपा। चैतू भी घबराया, पर किसी ने कुछ पता नहीं लगने दिया। अंत में आशा और उमंग से हाथ में कौड़ियों की माला लिए फुलिया उठकर खड़ी हो गई। सारे चेलकों यानी घोटुल के कुमार सदस्यों के मन में जैसे कांटा गड़ने लगा। वह सबको तंबाकू बांटेगी और जिसे तंबाकू नहीं देगी वही उसका मंगेतर समझा जाएगा। इसी से सारे चेलकों की आंखें फुलिया पर गड़ी थी। मंगरू को भरोसा था कि फुलिया उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, पर फिदा वो उसी पर है, उसी को वो माला पहनाएगी। उसने अपने सारे मित्रों को दावत दे रखी थी। जो थोड़ा सा संशय उसके मन में था उसकी दवा भी मंगरू कर चुका था। आखिर 2 साल फुलिया के साथ उसने काटे हैं, वो सहज ही उसे कैसे छोड़ देता।
उसने गांव की पंचायत के पंचों से भी बातचीत कर रखी थी। फुलिया ने तंबाकू बांटना शुरू किया। सबको तंबाकू बांटते बांटते जब वह मंगरू को भी देने लगी तो उसकी सोई हुई हिंसा जाग उठी। क्रोध से वो तमतमा उठा। उसने फुलिया का हाथ पकड़कर सारी तंबाकू छीनकर फेंक दी। घोटुल में हंगामा मच गया। मुंशी ने फुलिया और मगरू को अलग अलग किया और कहा, भाई इसमें झगड़े की क्या बात है, वह चेतू को चाहती है तो तू क्यों बीच में आता है। मंगरू लाल पीला हो रहा था। ये नहीं हो सकता, मैंने पंचायत बुलाई है, फैसला पंचायत करेगी। बहुत चेंचे हुई, पर मंगरू अपने साथ पलटन जो लाया था। फुलिया चैतू को माला ना पहना सकी और मुंशी ने पंच फैसला होने तक समारोह स्थगित कर दिया। गांव वालों के लिए पंच परमेश्वर होते हैं। उनका न्याय भला बुरा चाहे जैसा भी हो, सभी को सिरमाथे चढ़ाना पड़ता है। इसीलिए आज फुलिया, चैतू और मंगरू आंख लगाए पंचों की ओर देख रहे थे। पंचों ने फुलिया के बयान सुने और फिर मंगरू की बारी आई। मंगरू ने पहले दूध लौटाने की बात कहकर अपना रौब गालिब किया, पर फुलिया के बाप ने इस हक को स्वीकार नहीं किया। तब मंगरू ने लमसेना की बात उठाई, 2 साल लमसेना रखने का हर्जाना मांगा। फुलिया, उसके बाप नरसू और चैतू सभी ने अपनी सफाई पेश की। फुलिया का बाप दुविधा में पड़ गया। उसके सामने विकट उलझन थी। मंगरू उसके यहाँ 2 साल लमसेना रहा था, पर 2 सालों में दोनों के बीच खाई पड़ चुकी थी। मंगरू ने उसका बड़ा नुकसान किया था और अपने चरित्र से उसका मन खट्टा कर दिया था। नरसू अपनी इकलौती बेटी की मर्जी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। चैतू गरीब परिवार का सीधा साधा मेहनती युवक था। फुलिया और चैतू प्यार के धागे में बंध चुके थे। समस्या यही खत्म नहीं हो जाती। यदि मंगरू को उसने फुलिया नहीं दी तो उसे हर्जाना देना पड़ेगा, और हर्जाना भी पंच न जाने कितना लगाए। उतना पैसा देने की सामर्थ्य उसमें होगी, क्या चैतू हर्जाना दे सकेगा। अंत में जिसकी आशंका थी हुआ भी वही। पंच फैसला सुनाया गया। पंचों ने राय दी कि फुलिया चैतू से ब्याह कर सकती है, पर फुलिया के बाप को मंगरू के लमसेना रहने का हर्जाना देना पड़ेगा और दूध लौटाने की या तो कीमत चुकानी पड़ेगी अथवा किसी दूसरी लड़की का ब्याह मंगरू से या उसके किसी भाई से करना पड़ेगा। यह फैसला फुलिया के बाप के लिए बड़ा कड़ा था। फुलिया उसकी इकलौती बेटी थी, और कोई लड़की होती तो नरसू वह भी कर देता। पंचों ने लमसेना की कीमत 10 रुपये महीने के हिसाब से 240 आंकी थी। दूध ना लौटाने की स्थिति में उसे जात वालों को भोज देने और बड़ा महादेव का पूजा का विधान बताया था। उसका सिर चक्कर खाने लगा। फुलिया की आंखें जैसे पथरा गई थी। वह एक टक चैतू को देख रही थी। वह सोचती, पंचों को क्या अधिकार है कि वो उसका प्रेमी छीने। पर कहने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी। शायद वह जानती थी कि कहने से क्या होगा। समाज की अंध मान्यताओं में सारा गांव जकड़ा है, फिर उसमें अकेले विद्रोह करने की शक्ति ही कहाँ है। सच तो ये है कि विद्रोह करने की भावना ना तो फुलिया के मन में और ना चैतू के ही मन में थी। युगों से चले आ रहे बंधनों में जकड़े हुए ये भोले भाले युवा हृदय भला विद्रोह क्या जाने। वे सिर्फ पंचों को ईश्वर जानते थे और उनकी व्यवस्था को ईश्वर का न्याय मानते थे। इस न्याय को पलटने की हिम्मत वे नहीं कर सकते थे। फुलिया घबरा रही थी। उसका चैतू आज उससे छिन रहा था। बीते जमाने की स्मृतियां उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। चैतू सिर नीचा किए चुपचाप बैठा था। वह सोच रहा था कि क्या करे, इतना रुपया कहाँ से लाए। घर द्वार होता तो शायद वो उसे भी बेच देता, पर एक टूटी सी झोपड़ी का मोल 50 रुपये से अधिक क्या होगा। और मंगरू, वो विजेता की तरह सीना ताने हंस रहा था। उसकी आंखें उस शिकारी की भांति चमक रही थी
जिसके हाथ मनचाहा शिकार लग गया हो। उसे विश्वास था कि पंच फैसले की पूर्ति करना उनके लिए असंभव है। नरसू ने अपनी हताश दृष्टि चैतू पर डाली तो चैतू की आंखों में आंसू आ गए। वो वहां से उठकर चला गया। फुलिया फपक फपक कर रो पड़ी। तभी घोटुल के मुंशी ने घोषणा की कि शाम को फुलिया और मगरू का घोटुल से संबंध विच्छेद होने की खुशी में एक भारी समारोह होगा। तो ये थी कहानी लमसेना, जिसके लेखक थे राजेंद्र अवस्थी। कहानी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है।